संजय जोशी और हमारे YouTube चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको DMX 512 कंट्रोलिंग मिक्सर, जो लाइट का मिक्सर है, उसे पार्क लाइट को कैसे जोड़ते हैं वो पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि पार्क लाइट को DMX 512 से कैसे जोड़ते हैं और उसको कैसे रनिंग करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये DMX 512 मिक्सर है हमारे पास, DMX 512 कंट्रोलर, और आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 8 पार लाइटें जोड़ना सिखाऊंगा और चलाना सिखाऊंगा। आप हमारे वीडियो को देख के 8 पार लाइटें नहीं, 800 पार लाइटें भी जोड़ सकते हो और चला सकते हो। ये हमने 8 पार लाइटें लगाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा कनेक्शन मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये पार लाइट होती है वो दो मोड पे चलती है, एक DMX मोड पे और एक ऑटो मोड पे। तो हर पार लाइट के अंदर दो मोड होते हैं, एक ऑटो मोड और एक DMX मोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे HDR लिखा हुआ है, इसका मतलब ये DMX मोड है। अलग अलग पार लाइट में अलग अलग लिखा होता है, किसी में DMX मोड ही सीधा लिखा होता है DMX नाम से। इसमें आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है HDR। आप थोड़ा करीब से देख लीजिए, यहाँ पे 4 स्विच दिया हुआ है इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए। ये भी DMX मोड पे है, ये साउंड मोड पे हो गई, और ये DMX के अलावा जितने भी मोड है वो सारे ऑटो मोड है। और जो लास्ट स्विच है इसको अगर हम दो बार प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगी और ये अपनी लाइट ऑन हो जाएगी। तो वापस DMX मोड पे करने के लिए अपने को ये स्विच को दबाएंगे तो उसमें मोड चेंज होगा। पहले बाहर आएंगे यहाँ से, फिर फैड, FL, BL, DMX मोड, ये HDR मोड, DMX मोड है, तो दो बार कर देंगे तो DMX मोड पे हो गए। इसको वापस बंद करके चालू करेंगे तो ये लाइट ऑन नहीं होगी, आप देख सकते हो। चलो अब मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। ये हम स्टैंड पे पार लाइट लगा रहे हैं, ये स्टैंड पे पार लाइट लगा रहे हैं, इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। ये हमने 4 लाइट एक स्टैंड पे लगाई है, इसी तरह एक दूसरा स्टैंड और लेंगे जिसको हम लाइट का स्टैंड बोलते हैं, उस पर 4 लाइट और लगाएंगे। ये हम इसमें पावर सप्लाई दे रहे हैं जिससे ये लाइट अपनी ऑन हो जाएगी। ये देखो सब में पावर सप्लाई आ चुकी है, पावर सप्लाई आ चुकी है, इसको थोड़ा सा लूज करने पर ये थोड़ा अपना स्टैंड खुल जाएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको रख लेंगे। उसके बाद इसको वापस हम टाइट कर देंगे अपने हाथों से। उसके बाद ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको हम खोलेंगे, ये हम इसको इसमें लगा रहे हैं। इसको पूरा टाइट कर देंगे ताकि ये इधर उधर नहीं घूमे। अब हम इसमें पार लाइट लगाएंगे, ये हम दूसरे स्टैंड पे लाइट लगा रहे हैं, इसी तरह हम इस स्टैंड पर 4 लाइट लगाएंगे। ये DMX 512 है, यहाँ पे हमने इसको पावर सप्लाई दे दी है, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, और जो मेल फीमेल की XLR पिन आती है, जो केबल आती है उसका जो मेल है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है, और जो दूसरी तरफ का जो फीमेल है वो उस पावर लाइट में डालेंगे। दोस्तों जो मिक्सर से जो XLR जैक फीमेल जो केबल है वो हमने यहाँ पे उसके फर्स्ट नंबर लाइट में ऊपर डाली है, इनमें ये हमने इसके आउट में डाल दिए, पहली नंबर लाइट के और दूसरी नंबर लाइट के इनमें डालेंगे इसको। और इसके बाद ऐसे ही हम दूसरी लाइट से तीसरी लाइट को जोड़ेंगे, तो उसके लिए भी अपने को ये मेल फीमेल XLR केबल चाहिएगी। इसके आउट में डालना है, इसके इन में डालना है, इसके इन में डाल दिया, और ऐसे ही करके चौथी लाइट के आउट में डालेंगे, तीसरी लाइट के आउट में डालेंगे और चौथी लाइट के इन में डालेंगे। ये हम चौथी लाइट के आउटपुट में डालेंगे और पांचवी लाइट है जो उसके इन में डालेंगे, पीछे से आप देख सकते हो ऐसे। ये हम उसकी जो 5 नंबर लाइट है उसके आउटपुट में डालेंगे
और 6 नंबर लाइट के इनमें डालेंगे। आप हमारी वीडियो देख के एक लाइट नहीं, दो लाइट नहीं, तीन लाइट नहीं, आप पूरी 800 लाइट तक जोड़ सकते हो। इसी तरह आपको लाइट आगे से आगे जोड़ना है। 6 नंबर लाइट के आउटपुट में डाल दिया और ये 7 नंबर लाइट के इनमें डाल दिया। ये भी लाइट अपनी ऑन हो गई है। ये 7 नंबर लाइट के आउटपुट में डाल दिया और 8 नंबर लाइट के इनमें डाल दिया। ये हमने 8 लाइटें जोड़ी है DMX से, DMX 512 कंट्रोलर से। ये हमने DMX 512 कंट्रोलर से 8 पार लाइट जोड़ दी है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको बंद कर रहे हैं, अब हमने इसको ऑन कर दिया। अब आपको कनेक्शन मैंने आपको सारा बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि पार लाइट जो DMX 512 है उससे ये पार लाइट कैसे ऑन होगी। सबसे पहले हमने को एक नंबर दबाना है, फिर एक नंबर स्लाइड को ऊपर करना है, फिर दो नंबर को ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हो ये पूरा रेड हो गया। दो नंबर से रेड है, तीन नंबर से ग्रीन होता है, चार नंबर से ब्लू होता है, और अगर हम एक दो तीन चार पूरा ऊपर कर देंगे तो ये वाइट हो जाएगा। ये वाइट कलर हो चुका है। अगर इसको लाइट को फ्लिक करना है तो 5 नंबर को ऊपर करो, ये लाइट फ्लिक होगी। और अगर हम अपनी लाइटों में मल्टी कलर करें तो 6 और 7 को हम ऊपर सेंटर में कर देंगे तो ये मल्टी कलर हो चुका है। इसकी स्पीड को फास्ट और स्लो भी कर सकते हैं। ये इसकी स्लो स्पीड हो गई, फास्ट करना है तो ऐसे, फास्ट करना है तो पूरा उसको ऊपर कर दो 6 और 7 नंबर स्विच को। DMX 512 कंट्रोलर, इसके जो प्राइस है वो 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगी आपको। ये पार लाइट जो स्टेन कंपनी की है, इसका जो मॉडल है वो S060 है, और इसकी जो प्राइस है वो आपको 1400 से 1800 के बीच में मिल जाएगी। ये लाइट का स्टैंड है GS कंपनी का, इसकी जो प्राइस है वो आपको 1300 से 1600 के बीच में मिल जाएगी। अलग अलग शहर में अलग अलग प्राइस है। आप DJ के सॉन्ग के साथ मैं इस पार लाइट का पार लाइट जो स्टैंड की पार लाइट है वो जोड़ना मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर जाकर प्रेस करें ताकि आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब चैनल